गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोग घर पर सेफ होंगे। मैं सर ऐश्वर्य भाटिया, स्टैंडर्ड फोर ऑफ हिंदी टू, उसका लेसन नंबर 10 विलोम शब्द। विलोम यानी विरोधी शब्द, जिसे गुजराती में कहा जाता है जो एक दूसरे से अपोजिट, उसे विलोम शब्द कहते हैं। वो चैप्टर सीखेंगे, उसको उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है। अब लेसन में जो है, सबसे पहले जो डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, उससे पहले विलोम के लिए थोड़ा सा बेसिक बता दूँ आपको कि कोई भी चीज़ है जैसे कि ऊपर, तो उसके ऑपोजिट क्या चीज़ क्या हुई? नीचे। आप हंस रहे हो तो उसके ऑपोजिट चीज़ क्या हुई? रोना। अंदर तो बाहर। इस तरह से जो विरोध बताता है, इसका विरोधी ये है, उसे विलोम शब्द कहा जाता है। इसको हिंदी में जो प्रॉपर डेफिनेशन देकर बताया जाए तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ये इसका विलोम है और ये इस कारण नीचे हम का लिखा होता तो ऊपर आता, इसलिए एक दूसरे का लिखा है। चल अचल, योग्य अयोग्य, और उसे बताने के लिए जिस साइन का उपयोग होता है वो है ये से क्रॉस, कि ये इसका ऑपोजिट है। ऊपर नीचे, हंसना रोना। फिर से डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से याद करना है कि विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। फिर से, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। चल अचल, ऊपर नीचे, योग्य अयोग्य, हंसना रोना। ये है हमारे विलोम शब्द की डेफिनेशन। अब बुक में हम इसको रीड करते हैं कि बच्चों कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले ये शब्द विलोम या विपरीत अर्थ कहलाते हैं। यहाँ पर हमें जो एग्जाम्पल दिए हैं, मैं बुक में आपको बताऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर दो गर्ल्स है जो एक दूसरे से बताती है, एक है हंस रही है, उसका विपरीत अर्थ रोना। यहाँ ऊपर नीचे, मोटा पतला, बड़ा संदूक है ये छोटा, कच्चा आम पक्का आम, एक अनेक। और यहाँ पर है डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक में भी आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर जो है, हमें बहुत सारे विपरीत अर्थ दिए गए हैं, सुरक्षा असुरक्षा ये जो है दोनों बोर्ड पर लिखे हुए हैं, चल अचल, योग्य अयोग्य, संतोष असंतोष, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, अनुज अग्रज, आगमन प्रस्थान। तो ये जो है इसके विपरीत अर्थ को बताते हैं, उसे हम जो है अच्छे से लिखेंगे और सीख भी लेंगे। यहाँ पर उसकी एक्सरसाइज दी है जो मैं आपको होमवर्क में भेजूंगी। विलोम शब्द कहते हैं कि इसे समान अर्थ देने वाले या उल्टे, तो उल्टा अर्थ। सुख का विलोम, सुख यानी बहुत अच्छा, अच्छा लग, और उसका विलोम क्या होगा? प्रसन्नता नहीं, दुख। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि यह प्रश्न सरल, सरल का जो यहाँ पर जो ग्रीन वर्ड है उसका हमें विलोम शब्द लिखना है। सरल यानी आसान, तो उसका विलोम क्या होगा? कठिन। भारी, तो कम भारी होगा या हल्का? हल्का। कम, तो अधिक या बहुत कम? अधिक आएगा। और आरंभ, तो अंत या समाप्ति, तो आरंभ होता है वहां अंत होता है विलोम शब्द। तो ये शब्द जो है आपको मैं बुक में भिजवाऊंगी होमवर्क में, ठीक है? सभी लोग इसकी एक्सरसाइज जो है उसको मैं भिजवाऊँ तब लिखेंगे, और अगर आपको आता है तो पेंसिल सेव करके रखिए, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। उससे पहले फिर से विलोम शब्द का डेफिनेशन, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का हिंदी टू
बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पर डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि बहुत सारे शब्द हुए। देखो यार, एक दो तीन चार शब्द के लिए कैसा उपयोग हुआ, परिशब्द। इतने सारे शब्द का हमें प्रयोग नहीं करना है। हम किसी भी लुहार के बारे में बात करते हैं, क्या हमारे घर पर लुहार आने वाला है तो क्या कहेंगे, जो लोहे का काम करने वाला है वो आने वाला है? नहीं, आज हमारे घर पर लुहार आने वाला है, वो बहुत परिश्रमी है। तो ऐसा तो नहीं बोली कि हर बार के वो बहुत परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर है जो बुक में मैं आपको दिखा दी। उससे पहले पढ़ ले पेज नंबर 52 पर, ये लेसन है आपका। क्रियाकल्प में पूछे गए प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर में एक एक शब्द का ही उत्तर दिया होगा। जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को प्रयोग भाषा सुंदर और प्रभावली बना देती है। जैसे मेरे पिताजी सेना में काम करते हैं, सेना में काम करता है वो कौन होता है, सैनिक। तो हम सीधा सा ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी सैनिक है। इस हार का मूल्य बहुत अधिक है, तो ये बोलने से ज्यादा जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। तो यह अमूल्य या बहुमूल्य कहते हैं, तो यह हार जो है वो बहुमूल्य है। तो ये जो है हमारा जो काम है वो थोड़ा कम कर देता है इसी, और सामने वाला इसको भी बहुत इसी तरीके से समझ पाता है। अब इस तरह कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग में लाते हैं जो शब्द समूह का पूरा पूरा अर्थ प्रकट कर देते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब बुक में आपको बता दूं, जो परिश्रम करता है उसे क्या कहेंगे, परिश्रमी। जो लोहे का काम करता है वो कौन होता है, लुहार। जो प्रतिदिन होता है, हर रोज जो चीज होती है उसे दैनिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक। सप्ताह यानी कि वीक में एक ही बार होता है, जैसे इंग्लिश में उसे वीकली कहते हैं, इसे डेली कहते हैं। तो साप्ताहिक और दैनिक। जहां कैदियों को रखा जाता है, कौन सी जगह होती है, जेल या कारागार। जिसमें के हृदय में दया, जो दयालु है उसे दयालु कहते हैं। जिसमें कम बल हो उसे निर्बल कहते हैं। जो खेती का काम करता है, कौन करता है, खेती, किसान। चित्र कौन बनाता है, तो चित्रकार। जहाँ पुस्तकें रखी जाती है उसे पुस्तकालय कहते हैं। दूर की सोचने वाला, तो दूरदर्शी। मांस यानी कि मीट खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। जो लालच करता है उसे लालची कहते हैं। जो दूध दुहता है उसे ग्वाला कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, तो कुम्हार। जो काम से जी चुराए, जो काम नहीं करता उसे क्या कहते हैं, कामचोर। जो कविताएं लिखता है उसे क्या कहेंगे, कवि। जो कभी भी न मरे उसे अमर कहते हैं। जहाँ इलाज के लिए जाना जाया जाए वो होता है अस्पताल। जो दूसरों की भलाई करता है उसे परोपकारी कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहते हैं। जिसके मन में कपट हो, कपटी। ईश्वर में आस्था रखने वाला, तो आस्तिक। ईश्वर में आस्था न रखने वाला, तो नास्तिक। ये दोनों अपोजिट है, आस्तिक और नास्तिक। यहाँ देखो मांसाहारी और शाकाहारी, जो वेजिटेबल्स खाता है पूरे फल अन्न वो उसे शाकाहारी कहता है। जल में रहने वाला, जलचर। नगर में रहने वाला, नागरिक। शरण में आने वाला, शरणार्थी। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। साथ में पढ़ने वाला, तो सहपाठी। ठीक है, तो सभी लोग इसे अच्छे से इस वर्ड को सीख लेंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको होमवर्क में भिजवाऊंगी। ओके, थैंक यू।